नमस्करोमि। गुरुकुल प्रसारणे अस्मिन् स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणाम्। अस्माभिः साम्प्रतं संस्कृतं पठ आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति श्रृंखलायाः अन्तर्गतं द्विसप्ततितमे व्याख्याने अग्रे सरेम, किञ्चित् सम्भाषणाभ्यासं कुर्मः, व्याकरणं पठामः, अपि च कानिचित् वाक्यानि अपि अत्र सम्भाषणार्थं वयं वाक्यानाम् अभ्यासमपि कुर्मः। तर्हि इतः पूर्वम् अस्माभिः यत्किमपि पठितं तस्य पूर्वाभ्यासः, पुनरावृत्ति इत्यादिकं भवेत्, परं साम्प्रतं वयं पूर्वस्मिन् व्याख्याने, एक सप्ततितमे व्याख्याने अस्माभिः लुट् लकारविषये पठितम्, अपि च लोट् लकारविषये पठितम्। साम्प्रतम् आशीर्लिङ्गविषये वयं पठिष्यामः। किं भवति, दशलकाराः सन्ति, तर्हि प्रत्येकमपि व्याख्याने अस्माभिः एकम् एकं लकारं स्वीकृत्य अग्रे श्रीयते। अत एव साम्प्रतं वयम् आशीर्लिङ्गविषये यत्किमपि पठामः तत्पूर्वं केषाञ्चित् धातूनामपि अभ्यासः स्यात्। एतदर्थं मया धातुपाठात् केचन धातवः अत्र आनीताः, कवर्गीयान्ताः धातवः, येषां धातूनाम् अन्ते क वर्ग इति, क ख ग घ ङ इति पञ्च व्यञ्जनानि स्युः। तर्हि अत्र वर्तते भ्वादिगणे अष्टसप्ततितमोऽयं धातु शिक्री सेचने, तदनन्तरं सिक्री इत्येके, पूर्वं शिक्री सेचने आसीत्, तत्र तालव्य श आसीत्, साम्प्रतं सिक्री इत्येके एके वैयाकरणः। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि पाणिनि मुनि से पहले 25 और वैयाकरण थे जो संस्कृत, आधुनिक संस्कृत के लिए काम करते थे, और उन्होंने अपने अपने व्याकरण बनाए हुए थे जिसमें स्फोटायन, शाकल्य इत्यादि वैयाकरणों के नाम आपको मैंने दिए। तो कुछ वैयाकरण शिक्री की जगह सिक्री धातु, उसका रूट फॉर्म जो दंत्य स है, संसार सागर स, तो सिक्री इति एके, केचन वैयाकरणाः सिक्री इति स्वीकुर्वन्ति। लोक्री दर्शने, लोकते लोकेते लोकंते, आलोकते, आलोक शब्द जिससे बनता है, आलोक माने प्रकाश, आलोक माने दिखाई दे, दर्शने मूल धातु है, दर्शन दिखना। तो रिकारान धातु, ये रीत का तो लोप हो जाएगा, क बचेगा, क्योंकि क वर्गीयांत धातु है ना, क, तो कित हो जाएगा, और इसका रित है, ये रिकार का लोप हो जाएगा। लोकते लोकेते लोकंते, लोक से लोके थे लोकद्वे, लोके लोकावहे लोकामहे। अब आ उपसर्ग लगा देंगे, आलोकते आलोकेते आलोकंते, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। आलोक माने प्रकाश। श्लोकी संघाते, श्लोकते श्लोकेते श्लोकंते, जिसे श्लोक भी, श्लोक किसी पद्य को, जैसे हम मानते हैं कि पद्य का गीता के श्लोक है, तो वो गद्य से अतिरिक्त जो पद्य के रूप में जिसमें मीटर होता है, छंद होता है, वो श्लोक मानते हैं। और आदि श्लोक, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं अवधीः काममोहितम्, ये पहला श्लोक जो हमारी लौकिक संस्कृत का है, जिसमें महाकाव्य रामायण आदि काव्य की रचना हुई है। उसके बाद तो बहुत सारे लौकिक प्रयोग में इस छंद को लिया गया। लेकिन प्रश्न अब यह होता है, अगर ये छंद है तो क्या वैदिक जो मंत्र है वो छंद में नहीं है, मीटर में नहीं है? तो वो भी है, लेकिन वैदिक छंद थोड़े अलग है, लौकिक छंद प्रायः समानता है, लेकिन टेक्निकलिटी उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे वैदिक संस्कृत का व्याकरण थोड़ा अलग है, लौकिक संस्कृत का व्याकरण मिलता जुलता होने से भी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसके, इसीलिए सूत्र है पाणिनि व्याकरण में, लोके वेदे च, लोक माने व्यवहार में, जो आधुनिक संस्कृत हम कहते हैं या लौकिक संस्कृत कहते हैं, और वेदे माने वैदिक संस्कृत जिसमें ऋचाएं, मंत्र, संहिता, ये सब की रचना की गई है। तो इस प्रकार श्लोकरी संघाते, संघात माने एक समूह, एक प्रकार का ग्रुप,
जैसे चार चरण होते हैं श्लोक के, और चार चरण जैसे दोहा होता है, तो इसी तरह श्लोक को संघात अर्थ में, समूह अर्थ में, ग्रुप अर्थ में, माने वर्णों का, स्वर और व्यंजन का, वोवल एंड कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप बन जाए, संगति बन जाए, लेकिन उसमें मीटर हो, व्याकरण हो, उस अर्थ में श्लोकरी इस धातु का प्रयोग होता है। श्लोकते श्लोकेते श्लोकमते रूप चलेगा। श्लोकरी इति पाठांतरम, कोई तालव्य शब्द की बजाय दंत्य स मानते, श्लोकरी ऐसा मानते हैं, ठीक है। और ध्रेकरी, ध्रेकरी शब्दोत्साहयो, ध्रेकरी शब्द आवाज करना, उत्साह माने एंथुजियज्म, उत्साह को बढ़ाना, इस अर्थ में, उत्साह प्रदर्शन अर्थ में भी ध्रेकरी धातु का प्रयोग होता है। रेकरी शंकायाम, सेकरी स्त्रेकरी स्रकी श्रकी श्लकी गतौ, ये सब गत्यर्थक है। यहां केवल इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रायः 2000 धातुएं जो धातु पाठ में महर्षि पाणिनि ने जिसको परिगणित किया है, उसमें बहुत सारी धातु गत्यर्थक है। गति माने मोशन, स्पीड, मोमेंटम, जिस अर्थ में हम समझते हैं, यानी कुछ क्रिया। अब उस क्रिया में फिर उपसर्ग लगने पर क्रिया के अर्थ बदल जाएंगे, उसका कोई विशेष अर्थ हो जाएगा, लेकिन प्रायः गत्यर्थक धातु ज्यादा है एक अर्थ में, फिर उसका अलग अलग प्रयोग में, जैसे कि शब्दानाम अनेक अर्थ है, ऐसा कहा गया, एक शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ है। तो इस प्रकार से श्लकी गतो और आगे शकी शंकायाम, शकी धातु जो इत होगी शंकायाम, और नुम हो जाएगा शंकते शंकेते शंकंते शंक से शंकेते शंखद्वे शंके शंका वह आत्मनेपति धातु, जैसे अहम शंके, मैं शंका करता, डाउट, आई डू डाउट, उसमें शंक शकी धातु। अकी अंकते अंकेते लक्षण अर्थ में, कैरेक्टराइज करना, गणना करना, इस अर्थ में, तो अंकते अंकेते अंकंते रूप चलेगा। वकी कौटिल्य, कौटिल्य कुटिलता, धूर्तता, धोखा देने वाले अर्थ के अर्थ में ये वकी धातु है। उसके बाद मकी मंडने, मक धातु, मकती मकतः मकंती कहेंगे, या उभयपदी है तो मकते मकेते मकंते, इस तरह से रूप, या मंकते मंकेते मंकंते नुमाने पर, तो मंडन अर्थ में, आभूषण अर्थ में, शोभा अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, जैसे खंडन और मंडन कहते हैं, खंडन माने उस बात को मना करना, निषेध करना, मंडन माने समर्थ समर्थन करना, सपोर्ट करना, खंडन मंडन ऐसे बोलते हैं। ककलोल्ले, ककति ककता ककंती, चंचलता के अर्थ में, लोल शब्द चंचल अर्थ में आता है, और लोल का भाव लौल्य होता है, अर्थात चंचलता, अस्थिरता, उस अर्थ में यह आएगा। कुक और वृक आदाने, लेने के अर्थ में, दान देना, आदान माने लेना, तो उस अर्थ में वृक धातु है। चक तृप्तो प्रतिघाते च, तृप्त अर्थ में और प्रतिघात करना, एग्रेसिव जो है, आघात किया है उसका प्रतिघात, दोबारा उसका प्रहार करना, प्रतिप्रहार, उस अर्थ में। ककी वकी श्वकी त्रकी, ये इतनी धातुएं हैं, ये सब धातुएं गत्यर्थक है, गति के अर्थ में है, और उसके बाद प्रयोग के हिसाब से उपसर्ग लगेगा, प्रत्यय लगेगा, तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। यहां पर इतनी धातुओं का पाठ करने के बाद अब हम लकारों के क्रम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिंग लकार के विषय में समझते हैं, और समझने के लिए लिंग लकार इसके दो भेद किए गए हैं। उस भेद में एक विधि लिंग आता है और दूसरा आश्रय लिंग आता है। एक ही लकार है लेकिन अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो पहले हम आशीर्वाद आश्रय लिंग का लेते हैं। आश्रय लिंग के विषय में बताते हैं, आपने वेद मंत्र तो कभी ना कभी सुना होगा, एक विशेष वेद मंत्र है और कहीं ना कहीं इसका पाठ सुनने में आता है। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, आरंभ में हरि ओम बोलते, हरि ओम मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद् भूयासम मधुसम दृशः। ये आशीर मतलब हम कैसे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एक प्रकार से अपने आप को एनलाइटन करने के लिए, चार्ज करने के लिए जो वैदिक मंत्र है, खुद के लिए है। तो इसमें जो हम आशीर्लिंग पढ़ने जा रहे हैं उसकी
उसका रूप भी है, पहले इसका अर्थ हम देख लेते हैं। मेरा जाना मधुर हो, मेरा आना मधुर हो, मधुर माने अच्छा, शुभ, लाभदायक। मैं मधुर वाणी बोलूं, मैं मधु के सदृश, मधु माने शहद, मिठापन, सब मीठा मीठा, इतना ज्यादा अथर्ववेद के का ये मंत्र है। तो इसमें मधुमन माने मधुमत, मत प्रत्यय है, मेरा निष्क्रमणम जाना, मधुमन में परायणम आना, वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी मीठी हो, और भूयासम मधु समदृशम, शहद के समान मैं हूं। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें जो भूयासम शब्द है, ये भू धातु के आशीर्लिंग के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। भूयासम भू धातु के आशीर्लिंग के रूप हम देख लेते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब रूप जैसे हमने भवती भवता भवंती बभुव बभुवतु बभुवु और भविता भवितारो भवितारा भविष्यति भविष्यत, ये लकारों में पढ़ा, तो आशीर्लिंग में रूप चलेगा भूयात भूयास्ताम भूयासुहु। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, एक वचन में भूयात, द्विवचन में भूयास्ताम और बहुवचन में भूयासुहु। मध्यम पुरुष एक वचन में भूयाह, द्विवचन में भूयास्तम, बहुवचन में भूयास्त, और उत्तम पुरुष एक वचन में भूयासम भूयास्व, द्विवचन में बहुवचन में भूयास्म। आवृत्ति करता हूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा, भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। ये नवरूप तीनों वचन तीनों लिंग में, तीनों पुरुष और तीनों वचन में। अब आगे हम इसका प्रयोग देखते हैं। इस लकार का प्रयोग केवल आशीर्वाद अर्थ में ही होता है। महामुनि पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है अष्टाध्यायी में, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 172वां सूत्र, आशीषी लिंग लोटो, इस सूत्र है। माने आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार भी होता है और लोट लकार भी। हम लोट लकार के बारे में भवतु भवतात भवंतु, ये प भव, भवताम भवतम भवत, और हमने भवानी भवावह भवामा, इस तरह से जो रूप चलाए पिछले व्याख्यान में, तो लोट लकार भी आशीर्वाद अर्थ में होगा और लिंग लकार भी आशीर्वाद अर्थ में होगा। अर्थात आशीर्वाद अर्थ में आशीर्लिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें वो चिरंजीवी हो, उसकी आयु बढ़ी हो, आशीर्वाद देते हैं बड़े लोगों को, छोटे लोग प्रणाम करते हैं, तो कहते चिरंजीवी भूयात, एक तो ये होगा, या चिरंजीवी भव, यानी कि लोट लकार भी होगा और विधिलिंग भी होगा। तो सह चिरंजीवी भूयात, वो चिरंजीवी हो, वह चिरंजीव हो, इस अर्थ में ये आशीर्लिंग हो गया। अब कुछ वाक्यों का केशांचन वाक्यानाम अभ्यासम कुर्मः, इसमें थोड़ा सा आशीर्वाद देने के अर्थ में तो स्त्रीलिंग स्त्रीवाची शब्दों का ज्यादा प्रयोग है। सुनिएगा, वह गर्भिणी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, एषा, यह गर्भिणी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो, एषा महिला स्त्री आपन्नसत्वा, आपन्नसत्वा माने जो अभी कुछ दिनों बाद प्रसूति करने वाली है, वीर प्रसविनी भूयात, वीर प्रसविनी वीर पुत्र पैदा करने वाली हो। दूसरा वाक्य है, तो ये भूयात प्रथम पुरुष एक वचन का, ये सभी स्त्रियां पतिव्रताएं हों, एताह सर्वाह योषितः सुचरित्राह भूयासु, भूयात भूयास्ताम भूयासुः, प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका प्रयोग किया है। ये दोनों पतिव्रताएं प्रसन्न रहें, एते सुचरित्रे, पतिव्रता का द्विवचन में सुचरित्रे, मुदिते भूयास्ताम, द्विवचन भूयात भूयास्ताम भूयासु, तो दो है प्रथम पुरुष द्विवचन, भूयास्ताम का प्रयोग किया। अब एक शब्द है संस्कृत में पतिम वरा, उस कन्या को या उस महिला को पतिम वरा बोलते हैं जो
अपने पति को स्वयं चुने, जैसे स्वयंवर होता था भारतीय विवाह पद्धति में। 8 प्रकार की विवाह पद्धतियां बताई है, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, इस तरह से सारे जो है प्राजापत्य विवाह, इस तरह से। तो एक स्वयंवर विवाह भी होता है जिसमें कन्या अपने इच्छा के अनुसार जिसका वरण करे। तो हे स्वयं पति चुनने वाली पुत्री, ये अनुवाद क्या हिंदी में, तू पति की प्रिय होवे। तो हे पतिम्वरे पुत्री त्वम भर्तुः प्रिया भूयाः, मध्यम पुरुष एक वचन भूया। हे पतिम्वरे पुत्री त्वम भर्तुः, भर्तु भर्तृ शब्द का षष्ठी एक वचन, भर्तुः प्रिया भूयाः होवे या हो, तुम दोनों प्रतिव्रताएं हो वो। युवाम सत्यो, प्रतिव्रता द्विवचन में सती सत्यो सत्या, सत्यो भूयास्तम, मध्यम पुरुष द्विवचन भूया भूयास्तम। अब आगे चलते हैं। वशिष्ठ ने दशरथ की रानियों से कहा, वशिष्ठ दशरथस्य राज्ञी उवाच, ये राज्ञी शब्द द्वितीय बहुवचन है, राज्ञी राज्ञो राज्ञः, राज्ञीम राज्ञो राज्ञी, नदी की तरह, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी। तो रानियों को, दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तो वशिष्ठ उनके कुलगुरु, वशिष्ठ दशरथस्य राज्ञी उवाच, उन्होंने क्या कहा, तुम सब वीर प्रसविनी हो, यूयम यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, वीर प्रसविन्यः नद्यः और राज्ञः, तो यहां प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वीर प्रसविन्यः भूयास्त, मध्यम पुरुष बहुवचन, भूयाः भूयास्ताम भूयास्त, मैं मधुर बोलने वाला हूं, जैसे हमने वेद मंत्र में भी देखा, तो उस तरह से अहम मधुर वक्ता भूयासम, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं मधुर बोलने वाला हूं। अपने आप को आशीर्वचन कहना या अपने आप के लिए ये बात कहना, अहम मधुर वक्ता भूयासम, उत्तम पुरुष एक वचन। सावित्री ने कहा, सावित्री उवाच, मैं स्वयं पति चुनने वाली हूं। सावित्री सत्यवान की कथा हम सब लोग जानते हैं, सत्यवान उसका पति, किस तरह से उन्होंने मृत्यु के पास से भी मुक्त किया था। तो वो क्या कहती है सावित्री उवाच, सावित्री ने कहा, मैं स्वयं पति चुनने वाली हूं। अब स्वयं पति चुनने वाली, इतना हिंदी में जो हमने अर्थ किया, संस्कृत में केवल वरिया कहने से बात बन जाएगी, वरम करोती थी, वर्णम करोती थी वरिया, माने जो स्वयं पति का वरण करे, अहम वरिया भूयासम, उत्तम पुरुष एक वचन। माद्री और कुंती ने कहा, माद्री च पृथा च ऊचतुः उवाच, ऊचतुः ऊचुः, माद्री और कुंती ये दोनों पांडु की पत्नियां थी, जैसे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, उसी तरह से माद्री और कुंती ये दोनों रानियां पांडु, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे हम सब जानते हैं। तो माद्री च पृथा च ऊचतुः, उवाच का द्विवचन में ऊचतु, क्या हम दोनों वीर प्रसविनी होवे, आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, अहम आवाम वयम, वीर प्रसविन्यौ नदी नद्यौ, वीर प्रसविन्यौ दीर्घकारान स्त्रीलिंगवाचक शब्द, भूयास्व भूयासम, उत्तम पुरुष एक वचन, भूयास्व उत्तम पुरुष द्विवचन। इसी तरह से हम सब राष्ट्र भक्त हों, हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम राष्ट्र भक्ता भूयास्म, भूयास्म उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब चिरंजीवी हों, वयम चिरंजीविनः भूयास्म, एवं प्रकारेण अस्माभिः आशीर लिंगलकारस्य सर्वेषामपि रूपाणां, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पुरुषत्रयस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन वचनत्रयस्य ये प्रयोगाः भवन्ति वाक्येषु रूपाणां, ते सर्वेपि प्रयोगाः अस्माभिः दृष्टा, साम्प्रतम् एतेषां वाक्यानां अभ्यासेन भवन्तः सरलतया भाषित संस्कृते
आशीर्लिंग प्रयोगम कर्तुम पारयंती। एक श्लोक आपके सामने पंचतंत्र का रखता हूं, पंचतंत्र की कहानी हम सुनेंगे, लेकिन पंचतंत्र में जैसे नीति वाक्य आते हैं, ये श्लोक है, एकः स्वादु न भुंजीत नैकः सुप्तेषु जाग्रियात् एको न गच्छेत् अध्वानम् नैकः चार्थान् प्रचिन्तयेत्। ये पंचतंत्र का है जिसकी कहानी हम सुनते हैं, नीति वाक्य है, भुंजीत जाग्रियात और गच्छेत और प्रचिंतयेत, ये आशीर्लिंग और विधिलिंग का प्रयोग इसमें। किस प्रकार से? स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं खाना चाहिए, सोते हुए लोगों में अकेले नहीं जागना चाहिए, यात्रा में अकेले नहीं जाना चाहिए और गूढ़ विषयों पर अकेले विचार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। भुंजीत खाएं न, एक स्वादु, अकेले स्वादु न खाएं, भोजन न करें, यानी बांट के खाएं। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा लक्षण है। नैकः सुप्तेषु जाग्रियात, सो गए हो सब लोग, विश्राम कर रहे हो तो अकेला न जागे। एको न गच्छेत अध्वानम, अध्वानम माने मार्ग में चलना, राही बटोही बनना, तो चले यात्रा में जाना हो तो एक न गच्छेत, दो, एक से दो भला जैसे हम कहते हैं, गच्छेत तो ये लोट लकार का रूप, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु इस तरह से बनेगा। और नैकः चार्थान प्रचिंतयेत, जब गहन अध्ययन करना हो, चिंतन करना हो तो अकेले क्यों ना करें, क्योंकि मिलके जब चिंतन करेंगे तो उसमें कई बातें आती है, विस्तार से गहनता से वो चिंतन उस विषय का हो जाएगा। अकेले करने में हो सकता है कुछ सीमाएं रह जाए, कुछ कमी रह जाए, लेकिन जब सब मिलके करेंगे तो विशेष बात आ सकती है, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में विशेष रूप से हम सोच सकते हैं। तो ये इस श्लोक का विशेष क्या है, इस श्लोक में जितने भी क्रियापद है, जाग्रियात गच्छेत चिंतयेत, ये सभी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन के प्रयोग है। तो अब आपके सामने स्पष्ट हो गया किस प्रकार से हम विधिलिंग का प्रयोग करके और उस विधिलिंग को आशीर्वाद अर्थ में या विधान अर्थ में, दोनों में प्रयोग करते हैं। जहां जैसा प्रयोग हमको तद अनुसारेण अस्माभिः अवगंतव्यम् अपि च तद एतदर्थम् प्रयोगाः विभिन्नाः प्रयोगाः वाक्यानां कर्तव्याः। साम्प्रतम् कथा कौमुदीं स्वीकुर्मः। पंचतंत्रस्य कथा, लेखकः विष्णु शर्मा, मंगलाचरणम्। ओम नमः श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः महाकविभ्यो नमः। साम्प्रतम् संगति क्या है? पीछे हमने कहा था कि किस प्रकार से मदोत्कट सिंह की कथा हम आरंभ करेंगे, तो उससे पहले उक्तम च ऐसा कर संजीवक कहता है, बहवः पंडिता क्षुद्रा सर्वे मायोपजीविनः कुर्युः कृत्यम अकृत्यम वा उष्ट्रे काकादयो यथा। ये शैली है विष्णु शर्मा जी की, कोई नई कहानी अवांतर कथा को कहने के लिए जो दो चरित्र बातचीत कर रहे हो उसमें एक कोई बात कहेंगे उदाहरण और एक पूछेगा कैसे और कहानी शुरू हो जाएगी। तो संजीवक को दमनक कहता है कि आप पिंगलक आपके बारे में ऐसा सोचता आपको मार डालेगा, और इस पिंगलक को इसके बारे में बताता है, कूटनीति सारी सब बताता है। तो संजीवक कहता है मैं वापस जाके पिंगलक को मनाऊंगा भी, तो बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो क्षुद्राह पंडिताः, पंडित माने तो विद्वान होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, लेकिन क्षुद्राह पंडिताः, बुद्धि तो है लेकिन उसका जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले स्वार्थी लोग है, क्षुद्र है, छोटा सोचते हैं, ऐसे लोग बहावा बहुत होते हैं, बड़े व्यक्ति के साथ आसपास लगे रहते हैं। और वो कैसे होते हैं? मायोपजीविनः, माया का आधार लेके जीवन, यानी झूठ जो नहीं है उसका होना उसको माया कहते हैं, जो चीज नहीं है उसको बना के जीते, सर्वे झूठ आडंबर दंभ इसको लेके वो जीते हैं। और दंभ के बारे में पुनः एक बार आपको मैं कवि गंग की बात सुनाना चाहूंगा, जो कहते हैं कि कोई कितना भी दंभ करता है वो छुपता नहीं है, बहुत सरल भाषा में, लेकिन संस्कृत के शब्द साथ में उनकी ध्वनियां हैं, और संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस,
एंड सम ऑफ देम फॉरेन लैंग्वेजेस ऑल्सो, किस तरह से होता है। कवि गंग कहते हैं कि जो कर्म है वो छुपता नहीं है, चाहे कितना भी व्यक्ति आडंबर कर ले। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। रीढ़ पड़े रजपूत छुपे ना दातार, छुपे नहीं मांगन आयो। ए कवि गंगा कहे सुनो शाह अकबर, कवि गंगा कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे ना भभूत लगायो, कर्म छुपे ना भभूत लगायो, कर्म छुपे ना। यानी कितना भी दंभ करें कोई, कितना भी छल छद्म करे, वो अल्टीमेटली खुल जाता है। लेकिन मायोपजीवी ना, जब वो उसने आते हैं तो वो अपना करते हैं, दंभ करते हैं। तो इस प्रकार से संजीवक कहता है पिंगलक के पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे बारे में उसको भड़का दिया होगा। कुर्युः कृत्यम अकृत्यम वा, कृत्यम माने करना चाहिए, उसको कृत्यम बोलते हैं, कृत से कृत्यम, और अकृत्यम जो नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए वो भी करते हैं और न करना चाहिए वो भी करते हैं। कुर्युः करें या करते हैं, ये कुर्यात् कुर्यास्ताम् कुर्युः, ये लिंग का प्रयोग है। कैसे? उष्ट्रे काकादयो यथा, जिस प्रकार से ऊंट के साथ कौवा वगैरह ने किया। तो दमनक पूछता है कथम एतत्, ये कैसे? सो ब्रवीत, वो कहता है और वो मदोत्कट सिंह की कथा सुनाता है। आइए कथा सुनते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। शेर का नाम था, जैसे मुख्य कहानी में जो शेर है उसका नाम पिंगलक है, वैसे इस शेर का नाम मदोत्कट है। मदेन उत्कट, मदोत्कट जिसमें बड़ा मद मस्ती हो, और उससे उत्कट माने बहुत जो है शक्तिशाली, और जो बोरा ऐसा रहता है वो, उसको उत्कट कहेंगे। तो किसी वनोद्देश्य में एक मदोत्कट नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, रहता था। तस्य च अनुचरा अन्य द्वीपी वायस गोमयवः संति। शब्द है द्वीपी, द्वीपी कहते हैं जो चिता होता है, विपिन शब्द है उसका, द्वीपी समास में नकालोप हो जाएगा। वायस कौवा, और गोमय माने श्रृगाल, गोमायु उकारांत शब्द है, और समस्त पद हो जाएगा द्वीपी च वायस च गोमायुः च एते द्वीपी वायस गोमायवः, द्वंद समास हो गया। तो चिता, कौवा और श्रृगाल सियार, ये उसके अनुचर थे, फॉलोअर्स थे मदोत्कट शेर के। अथ कदाचित् तैः इतस्ततो भ्रमद्भिः सार्थाद् भ्रष्टः क्रथनको नाम उष्ट्रो दृष्टः। क्रथनक नाम का ऊंट देखा किन्होंने? तैः, तैः कैः? द्वीपी वायस गोमायुभिः। कदाचित् किसी समय घूम रहे थे। इतस्ततः, तो तैः इतस्ततः में संधि हो गई, तैः इतस्ततः हो गया। भ्रमद्भि का भ की वजह से ततः वाले त का विसर्ग भी स उ और गुण हो जाएगा। तैः इतस्ततो भ्रमद्भि, उन्होंने इधर उधर जब जंगल में घूम रहे थे। सार्थाद् भ्रष्टः, सार्थ बोलते हैं समूह या कारवां, जो ग्रुप होता है उसको, पंचमी एक वचन। सार्थाद् भ्रष्ट, अपने झुंड से, अपने कारवां से, अपने समूह से अलग हुआ एक क्रथनक नाम के ऊंट को दृष्टः अवलोकितवंतः, उष्ट्रम अवलोकितवंतः, उन्होंने ऊंट को देखा। क्या होता है? अथ सिंहः आह, सिंह ने कहा, अहो अपूर्वम इदम सत्वम, प्राणी, सत्व माने प्राणी, ये तो कोई पहले न देखा हुआ ये प्राणी है। तज ज्ञायताम किम एतद आरण्यकम ग्राम्यम वा इति। अपने चिता, कौवा, श्रृगाल को वो कहता है, अनुचरों को, तद ज्ञायताम, जानिए, सूचना ले आइए, देखिए कौन है। किम एतत, ये प्राणी जो है वो आरण्यकम ग्राम्यम वा इति। अरण्य भव आरण्यक, सह आरण्यक, तत् आरण्यकम, ये सत्वम प्राणी जो है वो जंगल में रहने वाला है या ग्राम्यम, ग्रामे भव ग्राम्य
तत् ग्राम्यम्। गांव का प्राणी है या जंगल का प्राणी है, कौन है, सिविलियन है या मिलिट्री का व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं इस तरह से, आरण्यकम ग्राम्यम वा, इसका पता करो। पंचतंत्री कथायाम अस्माभिः दृष्टम यत् केन प्रकारेण सिंहः स्वीय अनुचरान् कथयति भो विज्ञायताम ज्ञायताम तथा अयम उष्ट्रः आरण्यकम वा ग्राम्यम सत्वम इति निश्चयम कुर्वन्तु इति। तत्श्रुत्वा वायस आह, तत्श्रुत्वा तदाकर्ण्य सुनकर वायस काकः आह अकथयत, भो स्वामिन मेरे मालिक, ग्राम्योयम् उष्ट्रनामा जीव विशेषः तव भोज्यः। अब ये चुकी उसका अनुचर है, सचिव भी कह सकते हैं, तो थोड़ा अपनी बात कह रहा शेर को कि हे मालिक, ये तो गांव का है, ग्राम्योयम जंगल में रहने वाला तो नहीं है, इसको ऊंट बोलते हैं और ये ऊंट नाम का जीव विशेष है और आपका भोजन है, तव भोज्यः, आप तो शिकार करके इसको खा सकते हैं। तद व्यापाद्यताम, इसको मार डालिए। सिंह आह, शेर ने कहा, नाहम गृहम आगतम हन्वी, हन्मी हंती हन्मी, उत्तम पुरुष एक वचन, हंती का हन धातु का, मैं घर आए किसी का वध नहीं करता हूं, उसको मारता नहीं हूं, ये तो हमारा गेस्ट है, अतिथि है। उक्तम च, क्यों, कि कहा गया है, लोगों ने, समझदार लोगों ने कहा है, गृहम शत्रुमपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम् यो हन्यात् तस्य पापम स्यात् शत ब्राह्मण घातजम्। ये नीति है कि गृहम प्राप्तम शत्रुम अपि न हन्यात्, घर में आए दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए, और उसको विश्वास है कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे शरण मिलेगी, और अकुतो भयम, कुतः अपि भयम, कुतो भयम, न कस्माद अपि भयम, अकुतो भयम, कहीं से भी डर ना हो। ऐसे व्यक्ति को कोई यो हन्यात मारता है, तस्य पापम स्यात, उसका दुष्कृत कहा जाएगा, वो सही काम उचित कार्य नहीं कहा जाएगा, और शत ब्राह्मण घातजम, कैसा पाप है, विशेषण लगाया, सौ अच्छे लोगों को मारने के बाद जो पाप दुष्कर्म होता है उस तरह का होगा। तत् अभय प्रदानम दत्वा मत् सकाशम आनीयताम, इसलिए तुम लोग उसको अभय प्रदान करो, बताओ कि तुम डरो मत, और उसको मेरे पास, मत् सकाशम मम पार्श्वे, मेरे पास आनीयताम अत्र उपस्थाप्यताम, उसको ले आओ। ये न अस्य आगम कारणम पृच्छामि, जिससे कि मैं इसको यहां आने का कारण पूछू, पूछ सकूं या पूछता हूं। आगम कारणम, आगमनस्य कारणम, आगम कारणम, आगमस्य कारणम, ये न, जिससे कि अस्य आगम, ये न अस्य में संधि हुई तो ये ना हो गया, अस्य आगम में संधि हुई तो अस्य आगम हो गया, ये न अस्य आगम कारणम पृच्छामि अथासौ सर्वैरपि विश्वास्य। इसके बाद क्या हुआ कि उस क्रथनक नाम के ऊंट को सबने, सर्वैरपि तृतीय बहुवचन, सबने विश्वास्य, विश्वासम आपाद्य, उसको कॉन्फिडेंस में लिया, विश्वास दिलाया, अभय प्रदानम दत्वा, उसको भय प्रदानम डर दिखाना, अभय प्रदानम मैंने डर नहीं दिखाना, दत्वा मदोत्कट सकाशम आनीतः, मदोत्कट सिंहस्य पार्श्वे तत्समीपम आनीतः सहकृथन का उष्ट्रः प्रणम्य, उसने प्रणाम किया, उपविष्टश्च, विष धातु उपसर्ग तप्रत्यय से उपविष्टः बैठा, वो क्रथनक वहां बैठा, क्या होता बाद में, ततस्तस्य पृच्छतः, मदोत्कट ने पूछा, तो क्षत्रि प्रियांत पृच्छतः, पृच्छन् पृच्छन्तौ पृच्छन्तः पृच्छन्तम् पृच्छन्तौ पृच्छतः, द्वितीय बहुवचन में, लेकिन षष्ठी बहुवचन में भी पृच्छतः, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में पृच्छतः बनेगा, तस्य पृच्छतः, उसने जब मदोत्कट ने पूछा, तेन आत्मवृत्तांतः सार्थ भ्रंश समुद्भवो निवेदितः, तेन क्रथनकेन, उस ऊंट ने आत्मवृत्तांत अपने आप बीती, और अपने समूह से, अपने कारवा से भ्रंश माने अलग हो गया, ये सब कैसे
घटना घटी उसको निवेदित किया। अब यहां चूंकि संधि है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पृच्छता तेन आत्मवृत्तांतः, पृच्छता का विसर्ग तेन के त के कारण स हो गया, पृच्छतस्तेन, न में आ और आत्मा का आ, संधि दीर्घ संधि, आत्मवृत्तांतः, इसलिए ततस्तस्य पृच्छतस्तेन आत्मवृत्तांतः सार्थ भ्रंश समुद्भवो निवेदितः। ततः सिंहेन उक्तम, तो उसके बाद शेर ने क्या कहा, भो कथनक, अरे कथनक, मात्वम ग्रामम गत्वा भूयोपि भारोद्वहन कष्ट भागी भूया। अब ये भूया विधिलिंग आशिलिंग अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, उसमें भू धातु का रूप भी, भूयात भूयास्ताम भूयासु, उसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में भूया हमने पढ़ा। यहां मदोत्कट शेर कृथनक को कहता है कष्ट भागी भूया न हो, किम त्वम ग्रामम गत्वा, इस जंगल को छोड़कर अपने गांव जाकर भूयोपि फिर से भारोद्वहन, क्योंकि ऊंट गांव में जाएगा तो उस पर बोझा डाला जाएगा, उसके काम में लाया जाएगा, जैसे रेगिस्तान में उसका रेगिस्तान का हम वाहन कहते हैं ऊंट को, तो उस पर बोझा ढोना का काम ऊंट करता है, भारोद्वहन उद्वहन ढोना, तो भारोद्वहन कष्ट भागी भूया, तुम गांव में जाकर फिर बोझा ढोने का काम मत करो। तद अत्रेवारण्य निर्विशंको मरकत सदृशानी शष्पाग्राणी भक्षयन मया सह सदैव वस वसतु वसतात वसंतु वस वसतम वसत वसानी वसाव वसाम लोटलका वस भव, इस तरह से रूप हमने पहले चलाया है। तुम अत्रेव यहीं पर अरण्य जंगल में निर्विशंको बिना किसी शंका के बिना किसी डर के मरकत सदृशानी शष्पाग्राणी, शष्प माने घास, अग्राणी माने घास का जो अगला हिस्सा होता है, कैसा है विशेषण, मरकत हीरे की तरह चमकने वाला घास जंगल का होता है, भक्ष्यान खाते हुए मया सह मेरे साथ सदैव 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 वस निवास करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर संधि दो तीन वाक्यों में है, दो तीन शब्दों में, अत्र एव अरण्य अत्रैव अरण्य, अत्र एव अत्रैव अरण्य, संधि दीर्घ संधि, निर्विशंको मरकत म के कारण उ और गुण को हो जाएगा, सदृशानी शष्प अग्राणी, शष्पाणाम अग्रभाग अग्राणी, भक्षयन महा सदैव सदा एव, सोपि सहापि वो भी तथा इत्युक्त्वा, ऐसा ही वो ऐसा कहके तेषां मध्ये विचरण, उनके बीच में रहने लगा, घूमने फिरने लगा, न कुतोपि भयम्, अब तो उसको किसी का, राजा ने जब उसको आश्वासन दे दिया तो वो भला चीता से और श्रीगाल से और कौवे से क्यों डरेगा, भयम इति सुखे नास्ते, सुख से रहने लगा। तथा अन्येद्यु एक दिन, किसी दिन मदोत्कटस्य महागजेन अरण्यचारिणा सह युद्धम अभवत, अभवत ये लंग लकार अभी हम चलाएंगे आगे के व्याख्यान में, अभवत अभवताम अभवन हुआ, युद्धम अभवत लड़ाई हुई, किसके साथ, गज के साथ, हाथी के साथ, मदोत्कटस्य महागजेन अरण्यचारिणा, अरण्य माने जंगल, अरण्यचरति इति अरण्यचारी, तेन अरण्यचारिणा गजेन, गज हाथी को बोलते हैं, जंगल में घूमने वाले एक हाथी के साथ, और वो हाथी छोटा मोटा नहीं था, महागजेन महान चासौ गजा महागज तेन महागजेन, अन्यजु अपरस्मिन दिने किसी एक दिन शेर की बहुत बड़े एक हाथी के साथ युद्धम अभवत लड़ाई हो गई, उससे क्या होता है, ततस्तस्य उस हाथी के दंत मुसल प्रहारे, उसके दांत थे बड़े बड़े जैसे मुसल होता जिससे हम अन्न कूटते हैं, इतने बड़े मजबूत तेज धार वाले दांत थे, प्रहारे उसके, उसने प्रहार किया उस हाथी ने, व्यथा संजाता शेर मरोत्कट उसको बहुत दुखी हो गया, व्यथितः कथम अपि प्राणेर्न, घायल तो हो गया लेकिन प्राणेर्न व्युक्त, लेकिन वो मरा नहीं, प्राणे ही तृतीया बहुवचन, न व्युक्त युक्त संयुक्त प्रयुक्त वियुक्त, वियुक्त माने अलग हो जाना, संयुक्त माने मिलना, प्रयुक्त माने प्रयोग करना, तो प्राणेर न व्युक्त उसकी जान न निकली, घायल हो गया। अथ इसके बाद शरीरा सामर्थ्यात न कुत्रचित पदम अपि चलितुम शक्नोति,
इतना ज्यादा घायल हो गया मदोत्कट कि शरीर में दुर्बलता आ गई, असामर्थ्य, शक्ति नहीं हुई, समर्थता नहीं रही। पंचमी एक वचन असामर्थ्यात् न, त का न हो जाएगा, असामर्थ्यात् न माने शरीर की दुर्बलता असमर्थता के कारण न कुत्रचित पदम अपि चलितुम, एक कदम भी नहीं चल पाता था। ते सर्वे काकादयोपि अप्रभुत्वेन क्षुधाविष्टा परम दुखम भेजु। अब क्या होता है, वो सब चीता श्रृगाल कौवा ये सब अप्रभुत्वेन, उनका कोई मालिक तो अब रहा नहीं, मतलब जो मालिक घायल हो गया है वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे। क्षुधाविष्टा, क्षुधया आविष्टा, भूख से तड़पते हुए परम दुखम भेजु, भजते भजेते भेजु। तो बभाज बभूतु भेजु हो भज धातु से बनेगा। वो भूख से आविष्ट होकर बहुत दुखी हुए। अथ तान सिंह प्राह, तो शेर ने उसको बोला भो अन्विष्यताम कुत्रचित किंचित सत्वम, अरे भाई तुम जाओ और ढूंढो कहीं पर किसी भी प्राणी को। ये न अहम एताम अपि दशाम प्राप्त, मैं इस तरह घायल अवस्था में हूं, तद हत्वा ऐसा कोई प्राणी आए तो उसको मारकर युष्मद भोजनम संपा, तुम्हारा मैं तो शिकार नहीं कर सकता हूं, तुम ढूंढ के लाओ तो मैं उसको मार दूंगा और तुम्हारा भोजन बनेगा, बना दूंगा। तो इस प्रकार से मदोत्कटे ने ये तत्सर्वम उक्तम, यही एतावत पर्यंतम अस्मिन् व्याख्याने वयम एनाम कथाम पूर्णताम नयामः, अनंतरम आगामिनी व्याख्याने एषा कथा पूर्णा भविष्यति। सांप्रतम तृतीय क्रमे कानिचित वाक्यानि संस्कृत संभाषणाभ्यासं कुर्मः, भाषित संस्कृतस्य अभ्यासार्थं केषाञ्चन वाक्यानां प्राचीनानां वाक्यानां मयात्र उपस्थापनं कृतमस्ति, यथा भवान आदिशति तथा करोमि। पूर्वम अस्माभिः एकः क्रमः प्रचालितः यत् भाषात्रये वाक्यानि स्युः, संस्कृत भाषायां, आंग्ल भाषायां, हिंदी भाषायां, ततः एव मया प्राचीनात् व्याख्यानात् उद्धृतानि एतानि कानिचित् वाक्यानि, यथा भवान आदिशति, आप जैसा आदेश करेंगे, तथा करोमि, मैं वैसा ही करूंगा, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। आगामी वाक्यम पश्यामि किम साध्यमिति, लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल, देखता हूं क्या हो सकता है। पश्यामि अवलोकयामि चिंतयामि, अनेकानि पर्यायवाची पदानि सन्ति, पश्यामि देखता हूं, जैसे हिंदी में हां हां मैं देखता हूं क्या हो सकता है, पश्यामि किम साध्यम, लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल, देखता हूं क्या हो सकता है। यदा सह आगमिष्यति तदा सूचयिष्यामि, भविष्यत काल के वाक्य, आई विल इन्फॉर्म हिम व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा तब मैं सूचित करूंगा। मौनमेव उचितम, इट इज बेटर टू कीप साइलेंस, चुप रहना अच्छा है। तद विषये अहम किमपि न वदामि, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट, विचिन्त्य एव वक्तव्यम, वन शुड थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक, तरही समीचीनम, सोचकर ही बोलना चाहिए, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं तरही समीचीनम, देन इट इज प्रॉपर, तब तो ठीक है। एवं चेत कथम, ये बोलचाल के संस्कृत में केवल तीन शब्द है, हाउ अबाउट दिस, ऐसा हो तो कैसा, एवं चेत कथम, कृपया माम स्मारयतु, कृपया माम किंचित स्मारयतु, दोनों तरह से बोल सकते हैं, प्लीज रिमाइंड मी या मुझे जरा याद दिलाए। ये तो तीनों भाषा में हो गए, अब आइए दो भाषा में पिछले व्याख्यान से कुछ वाक्य ले ले, आवृत्ति करें। सायंकाले राजेशः गृहम आगत्य अवदत्, शाम को राजेश घर आकर बोला अहम अद्य बहु शांतः अस्मि, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, अद्य किमपि खादितुम नेच्छामि, आज कुछ भी खाना नहीं चाहता हूं, शीघ्रमेव शयनम कर्तुम इच्छामि, जल्दी से सो जाना चाहता हूं। एवमेव सांप्रतम गीतायाः अभ्यासं कुर्मः, गीताभ्यासेन सह वयं संस्कृतस्यापि अभ्यासं कुर्मः, लर्निंग टुगेदर संस्कृत एंड गीता। चैप्टर दो से हम अब 14वां और 15वां ये दो श्लोक लेंगे, जैसे कि पिछले व्याख्यान में हम कह चुके हैं, ये संगति है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्याः ताम तितिक्षस्व भारत। द्वितीय अध्यायस्य चतुर्दशोऽयं श्लोकः, एतत् पूर्वम् अस्माभिः
एकादश द्वादश त्रयोदश इति श्लोकत्रयं स्वीकृत्य अध्ययनं कृतम्। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न चैवा न यथा कौमारं यौवनं जरा इत्यादिकं यत्किमपि श्लोकत्रयं वर्तते। तदनन्तरम् अयं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय अर्थं बाद में लेते हैं। आगामी श्लोक अस्ति यम हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय सौमृत पूर्व रूप हो गया। ये द्वितीय अध्यायस्य पञ्चदशोऽयं श्लोकः। साम्प्रतं संधि विच्छेदं कुर्मः। मात्रा स्पर्शाः तु, तो विसर्ग था, स्पर्शास्तु संधि अलग हो गई। कौन्तेय शीत उष्ण शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनः, आगम अपायिनः संधि हो गई। अनित्याः तान कितिक्ष्व भारत, श्लोक में जो संधि थी उसको हमने अलग किया। दूसरे श्लोक में यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख समदुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते, सह अमृतत्वाय कल्पते। अब संधि कहां कहां कौन सी इसको हम जान ले। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्शा तु विसर्ग संधि हो गई, और इसमें व्यंजन संधि भी हम कह सकते हैं मात्रा स्पर्शास्तु। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण स्वर संधि हो गई यहां। आगमा पाइनो अनित्यांस्तां तितिक्ष्व, इतने शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी संधि करेंगे। आगम अपाइनः अनित्याः तान तितिक्षस्व, तो आगम एक शब्द, अपाई एक शब्द, अनित्य एक शब्द, तान एक शब्द, तितिक्षस्व, पांच शब्दों को एक साथ मिला के हमने आगम अपाइनः, आगम अपाइनः स्वर संधि कहेंगे क्योंकि ममे अ अपाई का अ दीर्घ संधि हो गई। आगमा पाइनः अनित्याः, तो आगमा पाइनः और अनित्य में न में जो विसर्ग है उसको उ और गुण होके ओ हो जाएगा, अनित्य का अ पूर्व रूप हो जाएगा, विसर्ग संधि पूर्व रूप संधि कह सकते हैं। आगमा पाइनो अनित्याः तान, तो नित्यास्तान यहां विसर्ग संधि हो गई। आगमा पाइनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व, तो व्यंजन संधि तितिक्षस्व, क्योंकि तान का न और तितिक्षव तो उसको तुक और उसका स हो जाएगा। व्यथयन्ति, व्यथयति, व्यथयतः, व्यथयन्ति व्यथा देता है जो दुखी करते हैं, बहुवचन, एते स्वर संधि हो गई। सोमृतत्वाय सह अमृतत्वाय, विसर्ग सह विसर्ग का रू उ गुण और पूर्व रूप अ का अमृतत्वाय। अब आते हैं वाक्यांश को देखते हैं। हे कौन्तेय मात्रा स्पर्शाः तु शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनः अनित्याः भवन्ति। संस्कृतमेतत् हिंदी में कहेंगे, कृष्ण कहते हे कुंती के बेटे कौन्तेय, ये जो मात्रा स्पर्शा है माने जो हमारी फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन है जिसमें हम स्पर्श करते हैं देखते हैं, परिमाण मात्रा परिमाण को कहते हैं, माने पांच जो हमारे कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय के रूप में हम जो जानते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और शीतोष्ण ठंड और ठंडा और गर्म होना और सुख और दुख, ये सब कैसे हैं आगमा पाइना। आगम माने आते हैं, अपाई माने चले जाते हैं। सुख दुख सुख आता है दुख आता है चला जाता है, ठंड लगती है गर्मी लगती है, और ये सब कुछ इसी प्रक्रिया में ये अनित्य है, अनित्याः भवन्ति स्थाई नहीं है। भारत हे भरत वंश के सुपुत्र अर्जुन त्वं तान तितिक्ष्व, इन सब भावों को तुम्हें इसको सहना होगा। तितिक्षस्व लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन, तितिक्षस्व तुम उसको उसको सहो, यू जस्ट हैव दैट पेशेंस एंड टॉलरेंस। पुरुषर्षभ पुरुषेषु ऋषभ, हे बहुत शक्तिशाली पुरुष, ऋषभ कहते हैं वैसे तो बैल को कहते हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ व्यक्ति को पुरुषर्षभ कहते हैं। ही डेफिनेटली यम समदुख सुखम, जिस व्यक्ति के लिए दुख और सुख समान हो, धीरम ऐसे धीरज वाले व्यक्ति को,
पुरुषम व्यक्ति को एते न व्यथयंती, ये सुख दुख ठंड गर्मी ये सब उसको दुखी नहीं करते, उसका विल पावर उसमें इतनी होती है, उसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा और शक्ति इतनी होती है कि ठंडी से गर्मी से और अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख का लक्षण किया जाए, जो हमें अच्छा लगे अनुकूल हो वो सुख मानते हैं हम, और जो प्रतिकूल हो दुख है। एसी का ठंडा होना वो ठंड मेरे अनुकूल है तो मुझे सुख लगेगा, लेकिन प्रतिकूल है तो मुझे वो दुख देगा। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये सारी चीजें धीर व्यक्ति को दुखी नहीं करती है, वो सह लेते हैं, और इसको सहने के बाद क्या होता, सह अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व, मृतत्व माने ट्रांजिटरी, मर जाना, क्षणिक को हम मृतत्व बोलते हैं। तो जो धीर पुरुष है उनके लिए अमृतत्वाय कल्पते, अमृत के समान ये, यानी वो फिर मरता नहीं है, वो क्षणिक नहीं होता है, उसके लिए ये सदा के लिए सहन करने के लिए इनसे सबसे ऊपर उठ जाता है। सांप्रतम एनालिसिस ऑफ क्लॉजेस, इसके जो वाक्य है उसका अंश क्रम और उद्गार वाक्य संबोधन अव्यय संबंध सूचक कौन कौन से शब्द है, कर्तृपद कर्मपद क्या है, पूरक पद क्या है, क्रियापद धातु साधित ये क्या है, इसके विस्तार में हम जाएंगे अगले व्याख्यान में। तर्हि अद्यतन व्याख्यानस्य कालोऽयं पूर्णतां याति, अत्रैव अद्यतनं व्याख्यानमिदं पूर्णतां नयामः। धन्यवादः, नमस्करोमि।